आज से 2-3 साल पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम सभी लोग जो है पीसी गेम्स का मजा अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर ले पाएंगे। Hey, what's up guys, गेमिंग की कलरफुल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डेविल और आज हम सभी लोग जो बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग गेम्स के बारे में, जिसमें वैलोरेंट मोबाइल भी शामिल है। आने वाला है या नहीं आने वाला है वो आप सभी लोगों को जो है वीडियो में पता चलेगा। तो आओ यार आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। उसके अलावा अगर आप लोग जो है इंस्टाग्राम वगैरह का यूज करते हो तो मेरे आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी मैं बहुत सारे गेमिंग अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल जब से एंड्रॉइड पर आया था उसने धूम मचा दिया, और पबजी जैसा बैटल रॉयल गेम जब से एंड्रॉइड पर आया तभी से एंड्रॉइड गेमिंग के फ्यूचर एकदम से बदल गया। फिलहाल तो बैन हो चुका है जो कि पबजी मोबाइल के फैंस के बारे में बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा वो सभी लोग जो है जियो के साथ कोलैब करने वाले हैं, ऐसी बाहर जो है बातें चल रही है। तो आई होप कि जल्दी वापस आ जाए। और इसी बात को लेकर के मैं आप सभी लोगों को जो है दूसरी बातें भी बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता होगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन भी एंड्रॉइड पर आने वाला है, उन लोगों ने भी बताया है। अभी जो है सिर्फ न्यूज़ ही दी है, ऐसा कन्फर्म नहीं बताया कि भाई इतनी तारीख को आ जाएगा। अभी उन लोगों का जो है काम चल, और आप सभी लोगों को पता होगा कि एक बेस्ट क्वालिटी गेम को एंड्रॉइड पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1-1.5 साल से एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम की जो है बहुत ही ज़्यादा हाइप बन रही है, और आप सभी लोगों को पता होगी वो गेम जो है डेवलपमेंट में है, पता नहीं कि कब आएगा। आई होप कि वो गेम भी जल्दी आ जाए। और ऐसे में हमारे सामने एक और न्यूज़ निकल कर आती है, वो निकल कर आती है वैलोरेंट मोबाइल के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा वैलोरेंट जो है एक पीसी गेम है, और पीसी पर भी वो जो है आते ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हिट रहा है। और गैस आप सभी लोगों को पता होगा उसकी स्ट्रीम जो है श्राउड ने भी करी थी, और हमारे कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ने भी उस गेम की स्ट्रीम करी हुई। और मुझे जो है उस गेम के ग्राफिक्स देख के ऐसा नहीं लगता कि वो जो गेम है एंड्रॉइड पर आना इम्पॉसिबल है। और गैस अभी हाल फिलहाल में ही वैलोरेंट मोबाइल को लेकर के कुछ लीक्स आई है, वो आप सभी लोगों को जो है ऑन द स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो गैस ये सारी की सारी जो है कुछ लीक्स हमारे सामने निकल कर आई है, और उस गेम के ग्राफिक्स देख कर ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल होगा इस गेम को जो है एंड्रॉइड पर लाने के लिए। और मेरे ख्याल से जो है मुश्किल तो किस बात की होगी, एपेक्स लेजेंड्स की, क्योंकि गैस उस गेम का जो फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल है ना भाई, उस गेम के जो ग्राफिक्स के आप सभी लोगों को पता होगा उस पीसी गेम्स के कैसे ग्राफिक्स है भाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो है दिक्कत उस गेम को लाने में हो सकती है, लेकिन एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल जो गेम है वो अभी जो है अंडर डेवलपमेंट में है। और गाइस वॉर जोन, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन भाई साहब कतई जहर गेम है, वो भी जो है एंड्रॉइड पर आने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जो है एंड्रॉयड गेमिंग का फ्यूचर एकदम से ऐसे बदलने वाला है, और आप सभी लोगों को हाई ग्राफिक्स गेम खेलने के लिए एक हाई एंड डिवाइस भी आप सभी के पास में होना ही चाहिए। और गाइस पर्सनली मैं बात करूँ तो इस बात को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, वैलोरेंट मोबाइल और ऐसे बहुत सारे गेम्स है, एपेक्स लेजेंड्स हो गया गाइस, वो गेम के बारे में तो बहुत सारे न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। और गाइस खास करके वैलोरेंट और एपेक्स लेजेंड्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी जो वॉर जोन है ना गाइस, उन लोगों ने जस्ट अभी अनाउंसमेंट ही करी है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वो कैसा गेम है। पीसी में भी गाइस उसके ग्राफिक्स आप सभी लोग जो है देख सकते हो, अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आप सभी लोगों को जो है उस गेम में देखने के लिए मिलते हैं। तो उस गेम को आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और गाइस वैलोरेंट को भी जो है बहुत ही ज़्यादा आने में टाइम लग सकता है। मैं आप सभी लोगों को कोई डेट कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, उन लोगों ने जो अभी तक जो है बताया है और वो जो लीक्स निकल के आई है हमारे सामने, और मेरे ख्याल से फेक भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फेक है, लेकिन फेक भी हो सकती है। और न्यूज़ उन लोगों ने जस्ट अभी अनाउंसमेंट ही करी है, तो डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक AAA टाइटल गेम को एंड्रॉइड में आने के लिए कितनी देर लगती है, उन लोगों ने जस्ट अभी अनाउंसमेंट ही करी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि डेवलपमेंट में कितना टाइम लग सकता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वो गेम जो है जल्दी ही एंड्रॉइड पर आ जाए। लेकिन हम सभी लोग जो है अभी एक्साइटेड है एपेक्स लेजेंड्स के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1.5 साल से वो लोग जो है बताए जा रहे कि ये गेम जो आने वाला है आने वाला है आने वाला है, ठीक है। और हम सभी लोग जो है खेलने वाले हैं खेलने वाले खेलने वाले। सो गाइस फिलहाल तो हम सभी लोग जो है क्या कर सकते हैं पता है आप सभी लोगों को, सिर्फ ओनली फॉर इंतज़ार कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि पबजी मोबाइल के अनबैन होने का इंतज़ार है, एपेक्स लेजेंड्स के आने का इंतज़ार है, वैलोरेंट मोबाइल के आने का इंतज़ार है। तो फिलहाल तो हम सभी लोग जो है सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। और गाइस
और भी ऐसे बहुत सारे, और गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन है या फिर एपेक्स लेजेंड्स है या फिर वेलोरेंट मोबाइल है, उसके अगर कोई भी जो है न्यूज़ निकल कर सामने आती है या फिर कुछ लीक्स या फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकल कर सामने आती है तो वह मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। सो गाइस ये थी सारी के सारी एंड्रॉयड गेमर्स के लिए कुछ धमाकेदार न्यूज़। वेलोरेंट मोबाइल आने वाला है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन आने वाला है और एपेक्स लेजेंड्स भी आने वाला है और पबजी मोबाइल, हाँ मेरे ख्याल से आने ही वाला है, पता नहीं अब पबजी मोबाइल का क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये थे सारे के सारे गेम्स जो कि फ्यूचर में धमाल मचाने वाले हैं। क्या लगता है आप सभी लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हमेशा आप सभी लोगों को ऐसे ही गेमिंग न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ और उन सभी के बदले में मैं आप सभी लोगों से मांगता हूँ बस एक स्मॉल सपोर्ट। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी लीक्स और गेम्स आने वाले हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Let's go.